हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक नई तरह की डिज़ाइन बताऊंगी। इसका नाम है रोलो पोलो। ये बहुत ही रोल होती है, ये ऊन को चारों तरफ रोल कर देती है, तो इसलिए इसका नाम है रोलो पोलो। आप इसको बॉर्डर टोपी में भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप स्वेटर में देख रहे हैं। आप इसको छिटका बिटका साइड साइड में भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरह से वेरिएशन है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, बट मैं इसकी उसको किस तरह बनाते हैं तो वो मैं जो आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के बाद आप बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो चलिए डिजाइन इस डिज़ाइन के लिए, रोलो पोलो डिज़ाइन के लिए दो तीली उल्टा और सीधा बिलने हैं, और ये डिज़ाइन उल्टे ही पे ही बनती है। एक उतार लिया, दो उल्टा भी लिया, दो उल्टा भी लिया, और ये पीछे किया, और ये घुमा के अब इस पे लपेटना है दोनों तीली को। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस हो गया। ग्यारहवें से इसको गिना जाएगा। ये देखिए ग्यारहवा। अब ये नोक से इसको दबा के निकाल लिए, ये हो गया। अब इसको ऐसे इस पर फैला लेंगे, इसको दो बार ऐसे कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इसको खींचेंगे, इसलिए फिर एक बार और इसको कर लेंगे, फिर धीरे धीरे खींचेंगे। ये बस, ये हमारा ये रोल बन गया। फिर इसको सीधा बिल लेंगे, सीधा बिल लेंगे, फिर इसको आगे करके दो फंदा, एक और ये दो, ये दो फंदे की डिज़ाइन ही है, दो दो करके। फिर इसको पीछे किया, फिर ये सीधे की तरह डाल के फिर 10 बार राउंड कर लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और ये 11वें पे इसको खींच के इसे निकाल देंगे। ये देखिए निकल आया। एक दो बार करेंगे, थोड़ा परेशानी होगी, फिर सही हो जाएगा, जो प्रैक्टिस हो जाएगी। जब देखिए इसको शायद खींच लिया, अब ये धीरे धीरे ये देखिए ये हो गया। फिर इसको फैला लीजिए, तो ये फैलाने से ये हो गया, बिल्कुल बराबर आएगा आपका ये गोलो। फिर एक ये सीधा भी ले लिया, दो हो गया। अब इसको आगे कर लीजिए, दो फिर उल्टा बिल लीजिए, एक और ये दो, फिर इसको पीछे कर लिए, फिर इसमें ये बनेगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, ये दस हो गया। अब ये 11वें पे ऐसे ये देखिए खींच के निकाल लिया। धीरे धीरे खींच खींच खींच, ऐसे करने से दो बार में थोड़ा सा बराबर आता है। ये देखिए ऐसे गोला बराबर से आएगा। फिर ये बिन लिया सीधा, दूसरा फंदा ये हो गया। ये देखिए ऐसे आ रहा है, फिर दो इसको आगे किया, दो उल्टा बिना, फिर ये एक दो तीन चार छ सात आठ नौ और ये दस, क्योंकि दस हो गया, ये 11। ये खींच के
निकल रहा है ये ऐसे, तो थोड़ा फैला लेंगे अच्छे से, खींचेगा धीरे धीरे धीरे, फिर फैला लेंगे, फिर खींचेंगे धीरे धीरे, ये देखिए, फिर इसको सीधा देंगे, एक ये दो, ये आखिर के दो बच्चा है, इसको फिर ऐसे ही भी लेंगे उल्टा ही, ये हो गया। अब इसको सीधे की तरफ देखिए, ये ऐसे आया, अब मगर ये ऐसे आया, अब सीधे पे सीधा ही बिना जाएगा, ये देखिए सीधे पे पूरी तीली सीधे ही बन जाएगी, सीधा पूरा सीधा ही नहीं है, उल्टे ही पे डिजाइन बन रहा है, एक सीधा बन गया, ये देखिए सीधा बिन लिया ना, पूरी लाइन सीधा कर ली, अब फिर इसको उल्टा भी लेंगे, उल्टे की तरफ, ये देखिए अब फिर डिजाइन बनेगी, अभी यहाँ रोलो पोलो बना हुआ है ये डिजाइन, तो ये दो है, अब फिर इस पे बनेगी आपकी, तो ये एक उल्टा है, तो उतार लेंगे इसको, छोड़ देंगे इसको, आप पीछे कर दें, अब ये सीधे पे ऐसे करके एक, फिर दस वही करेंगे, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, नौ, दस हो गया ना, अब ये ग्यारहवें पे ये ऐसे, ये देखिए आ गया, खींचेंगे धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक ही बार में खींच जाएगा आपको, जब नहीं आता है तो दो बार कर, अब फिर इसको आगे करेंगे, ये जो रोलो पोलो ये पीछे बना हुआ है इसके ऊपर उल्टा दो बिन जाएगा, एक ये दो, ग्यारह बजे आ गया, इसको यहाँ पकड़ लिया, अब ये खींचा, ये देखिए एक दो तीन, ठीक, ये देखिए थोड़ा सा और खींच दें, फिर ये से, ये फिर ये दो उल्टा बिन गया, फिर पीछे किया, फिर कन अब इसको एक फिर से सीधा एक लाइन बिन लेंगे, ये देखिए डिज़ाइन पूरी हो गई, इसी तरह बनेगा, आप इसे चाहे बॉर्डर में डाल ली, बच्चों की टोपी बना ली, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, फॉर वॉचिंग।